नमस्कार, आपका दोस्त योगेंद्र वर्मा, सच्चा साथी, हेल्थ कोच, हेल्थ एडवाइजर। आज हम लोग एक स्टार के हॉस्पिटल कैश प्लान के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इसमें डेली कैश बेनिफिट मिलता है, एक ऐसा प्लान जो 500 रुपए से लेके 5,000 रुपए तक पर डे आपको कमा के दे सकता है। दोस्तों, अभी तक आप हेल्थ इंश्योरेंस में पैसा खर्च करते आए हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा प्लान लेके आया हूँ जिसमें जितने दिन एडमिट रहेंगे उतने दिन आपको पैसा मिलेगा। 5,000 पर डे, 3,000 पर डे, 2,000 पर डे, ये आपकी मर्जी। आपने सम एश्योर्ड कितना लेना है या पर डे की लिमिट कितनी लेनी है, इस प्लान को प्लीज एंड तक देखिएगा। और विश्वास दिलाता हूँ ये प्लान आपके बहुत काम का है, क्योंकि अभी तक आपने जितने भी प्लान लिए ना हेल्थ इंश्योरेंस में, खर्चे वाले प्लान लिए, दिस इज द ओनली प्लान जो आपको इनकम क्रिएट करा के देगा। आपको पैसे को सेफगार्ड तो करेगा ही करेगा और आपको अर्निंग भी अलग से करा के देगा। तो प्लीज दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, विश्वास दिलाता हूँ आपको ये वीडियो बहुत काम का और बढ़िया लगेगा। जेन्युइन प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने के लिए बताता हूँ दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले प्लान का नाम बताता हूँ दोस्तों, स्टार हॉस्पिटल कैश इंश्योरेंस पॉलिसी इस प्लान का नाम। और इसमें 3 यूनिवर्सल रूल्स होते हैं। सबसे पहले 24 घंटे हॉस्पिटलाइज होना जरूरी होता है। नंबर 2, आज पॉलिसी लिए तो फर्स्ट 30 डेज क्लेम नहीं मिलता है किसी भी पॉलिसी के अंदर। और अगर एक्सीडेंट की जरूरत पड़ती है तो डे 1 हॉस्पिटलाइजेशन पहले दिन से कवर होता है। और हम बात करेंगे अदर फीचर्स की, जैसे कि एज ऑफ एंट्री। इस प्लान के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये प्लान 2 तरह के वेरियंट प्रोवाइड करता है। पहला वेरियंट है जिसका नाम है बेसिक प्लान, और दूसरा वेरियंट है जिसका नाम है एनहांस प्लान। तो दोस्तों, ये दोनों वेरियंट को मैंने साथ साथ इस पीपीटी के अंदर प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है, तो ध्यान से देखिएगा कि बेसिक प्लान में क्या फर्क है और एनहांस प्लान में। प्लान दोनों ही अच्छे हैं, बस किसी में लिमिट कम है, किसी में लिमिट ज्यादा है। इसको देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले एज ऑफ एंट्री की बात कर लें तो दोनों ही प्लान में 18 साल से 65 साल तक का कोई भी पर्सन इस पॉलिसी को ले सकता है। और एज ऑफ चाइल्ड की बात कर लें तो 91 डेज से लेके 25 साल तक इस पॉलिसी के अंदर चाइल्ड कवर रहता है। फैमिली साइज की बात कर लें तो दिस इज द ओनली प्लान, मार्केट में ऐसे प्लान बहुत मुश्किल से मिलते हैं दोस्तों, जहां पर फैमिली फ्लोटर हॉस्पिटल कैश प्लान मिल जाए। ज्यादातर कंपनीज इसको इंडिविजुअल ऑप्शन में प्रोवाइड करती है। स्टार इज द ओनली कंपनी जो इसको फैमिली फ्लोटर प्लान में प्रोवाइड करती है, और इसका प्रीमियम भी मार्केट से बहुत सस्ता है दोस्तों। इसमें जो मैक्सिमम लोग एक साथ पॉलिसी ले सकते हैं, हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे, लेने को एक 1 एडल्ट भी ले सकता है, 2 एडल्ट भी ले सकते हैं, 2+1 भी, 2+2 भी, और 2+3 इज द मैक्सिमम पर्सन इस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो ये जो पॉलिसी है 1 साल, 2 साल और 3 साल के ऑप्शन में अवेलेबल होती है दोस्तों। इकट्ठी भी लोग पॉलिसी लेते हैं, अच्छी रहती है, नुकसान नहीं रहता है। और सम इंश्योर्ड की बात करें, 2 तरह के टाइप्स है इसमें, इंडिविजुअल भी और फैमिली फ्लोटर भी है, दोनों ही ऑप्शंस के अंदर। और हॉस्पिटल कैश की जैसे मैंने आपको बात करूं, 1,000 रुपए, 1,000, 2,000, 3,000 आपका बेसिक प्लान के अंदर अवेलेबल रहता है। और अगर एनहांस प्लान लेते हैं तो 3,000, 4,000, 5,000, 3 वेरिएंट इधर और 3 वेरिएंट इधर, 1 से 3,000 तक बेसिक प्लान में और 3 से 5,000 तक एनहांस प्लान में आप पर डे की लिमिट ले सकते हैं दोस्तों। नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन डेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। जब भी आप कोई पॉलिसी ले रहे हैं तो ये जरूर डिसाइड करें कि आपको कितने दिन तक का कवर लेना है। कुछ लोग कहते हैं साल में 30 दिन बहुत है, कुछ लोग कहते हैं 60 दिन बहुत है, कुछ 90 कहते हैं। मैक्सिमम इसमें 180 दिन तक का कवर मिलता है दोस्तों। और मैं हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा कवरेज हमेशा बढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर आपके लिए भी अनजान है, मेरे लिए भी, क्योंकि पॉलिसी में कितने दिन की जरूरत पड़ेगी यू नेवर नो। 90 दिन और 180 दिन में 100, 200, 400 रुपए का ही फर्क है, ज्यादा अमाउंट का फर्क भी नहीं है। डेज का सब इंश्योर लेना ज्यादा अच्छा है, मैक्सिमम डेज अपने आप को कवर रखना ज्यादा अच्छा है। बेसिक प्लान के अंदर 30 दिन से 180 दिन तक का ऑप्शन रहता है, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन और 180 दिन। और एनहांस प्लान की बात करूं तो मिनिमम 90 डेज, 120 दिन और 180 दिन तक का आप अपने लिए कवर ले सकते हैं, अपनी फैमिली का कवर ले सकते हैं। अब सबसे अच्छी चीज इसमें क्या क्या कवर होगी दोस्तों, सिकनेस मतलब किसी भी तरह की बीमारी की वजह से अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं, जितने दिन के लिए भी प्लान लेते हैं उतने दिन का कवर रहेगा। बेसिक प्लान के अंदर एक थोड़ी सी डिसएडवांटेज है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पहले दिन का डिडक्टेबल ऑप्शन रहता है। यानी कि अगर आप एक ही दिन एडमिट हुए और प्लान आपने बेसिक प्लान लिया है तो पहले दिन का खर्चा नहीं मिलेगा। अगर आप 4 दिन के लिए एडमिट हुए हैं, प्लान बेसिक लिया है, तो पहले दिन का खर्चा छोड़ के 3 दिन का खर्चा कम नहीं देगी। 5,000 पर डे लिया है तो 15,000 रुपए 3 दिन के आपको प्रोवाइड करेगी। यही अगर सेम ऑप्शन, सॉरी, बेसिक प्लान में तो 3,000 मैक्सिमम होता है, 3,000 पर डे लिया है और 4 दिन एडमिट हुए हैं, तो पहला एक दिन छोड़ के 3 दिन का पैसा मिलेगा।
यही प्लान अगर आपने एनहांस लिया है तो एनहांस प्लान में बेस्ट पार्ट है किसी भी तरह का डिडक्टेबल पार्ट नहीं है। अगर एक दिन भी एडमिट हुए तो एक दिन का पैसा भी मिलेगा, चार दिन एडमिट हुए तो चारों दिन के पैसे मिलेंगे, दस दिन एडमिट हुए तो दस के दस दिन के पैसे आप पर डे के हिसाब से इसमें ले सकते हैं। किसी भी सिकनेस मतलब किसी भी बीमारी की वजह से अगर आप एडमिट होते हैं। नेक्स्ट, अगर एक्सीडेंट की वजह से एडमिट होते हैं तो भी कंपनी के पास एक प्रोविजन है। अगर बेसिक प्लान की बात करें तो 150% यानी कि अगर आपने 3,000 रुपए पर डे का प्लान लिया है और एक्सीडेंट इज द कॉज मेन रीजन है, एक्सीडेंट की वजह से आप हॉस्पिटलाइज हुए हैं तो 4,500 रुपए पर डे आपको बेसिक प्लान में मिलेगा पहले दिन का छोड़ के। और अगर एनहांस प्लान लिया है तो उसमें 150% पर डे मिलेगा, यानी कि 5,000 पर डे लिया है तो 5,000 का 150% 7,500 रुपए होता है और वो 7,500 रुपए पर डे आपको 10 दिन एडमिट हुए तो पूरे 10 दिन मिलेगा। यहाँ पर एक दिन का भी डिडक्टेबल नहीं हटता है, पूरा पैसा मिलता है। एनहांस प्लान में कोई डिडक्टेबल नहीं है, बेसिक प्लान में एक दिन का कम मिलता है, इतना बस आपने ध्यान रखना है। आईसीयू हॉस्पिटलाइजेशन, दोस्तों आईसीयू का मतलब होता है कोई ऐसी बड़ी इमरजेंसी, इंटेंसिव केयर यूनिट, कि अगर कोई बड़ी इमरजेंसी जैसे कि बीमारी की वजह से भी हो सकती है और एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकती है, दोनों में से कोई भी रीजन रहा और आपको आईसीयू में एडमिट होने की जरूरत पड़ती है तो कंपनी इंश्योरेंस का जितने का आपने पर डे का प्लान लिया है उसका डबल कर देती है 200%। इट मीन्स अगर 3,000 रुपए का मैक्सिमम प्लान लिया आपने बेसिक वाला तो वो 6,000 रुपए पर डे, जितने दिन भी आईसीयू में रहेंगे 6,000 रुपए पर डे मिलेगा। और अगर आपने एनहांस वाला 5,000 पर डे की लिमिट वाला लिया है तो यहाँ 10,000 रुपए पर डे मिलेगा क्योंकि आपने और आईसीयू में एडमिट हुए हैं तो 10,000 पर डे के हिसाब से मिलेगा। नेक्स्ट, कन्वलेसेंस बेनिफिट, बेसिक प्लान के अंदर ये कवर नहीं होता है दोस्तों, लेकिन एनहांस प्लान में इनबिल्ट राइडर है। अगर आप 5 दिन से ज्यादा हॉस्पिटलाइज रहते हैं तो कंपनी एक अलग से लमसम अमाउंट भी आपको प्रोवाइड करती है जिसे हम कन्वलेसेंस बेनिफिट बोलते हैं। जितने का आपने पर डे का बेनिफिट लिया हुआ है वो सेम अमाउंट आपको लमसम अलग से प्रोवाइड करती है। चाइल्ड बर्थ हॉस्पिटल कैश बेनिफिट एक और अलग फीचर है, इसमें ये भी बेसिक प्लान के अंदर अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन अगर एनहांस प्लान की बात करें तो उसमें अवेलेबल है, लेकिन पहले 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है दोस्तों, 2 साल के बाद ही कवर होगा और जो लेडीज है फैमिली में उसी के लिए ही एप्लीकेबल होगा। ऑब्वियस है जॉइंट्स को जरूरत होती नहीं है, लेडीज के लिए ही ये बर्थ का काम आता है और वो पॉलिसी लेने के 2 साल के बाद, इनिशियल 2 साल का वेटिंग पीरियड है। वर्ल्ड वाइड हॉस्पिटलाइजेशन, अगर कोई वर्ल्ड वाइज हॉस्पिटल कैश बेनिफिट भी इसके अंदर अवेलेबल है, जो आपका बेसिक प्लान है इसमें ये फीचर नहीं है, लेकिन एनहांस प्लान में आप वर्ल्ड वाइड यूज कर सकते हैं और यहाँ पर बेस्ट पार्ट है 200% पर डे का अमाउंट लिमिट मिलता है। अगर 5,000 रुपए पर डे का आपने प्लान लिया है तो 10,000 रुपए पर डे इसमें यूज कर सकते हैं। इसकी वर्डिंग अगर पढ़ के बताऊं, इफ द इंश्योर्ड पर्सन इज हॉस्पिटलाइज्ड आउटसाइड इंडिया फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस और इंजुरी, 200% हॉस्पिटल कैश अमाउंट पर डे चूजन बाय द इंश्योर्ड पर्सन इज पेबल। जैसे मैंने आपको बताया, जो भी आपने अमाउंट चूज किया होगा वो उसका डबल ऑफ पर डे आपको मिलेगा, बस आपको वहां का एविडेंस देना है, प्रूफ देना है और आप उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें डे केयर प्रोसीजर्स भी कवर है दोस्तों, जैसे कि स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, पाइल्स, गाइन रिलेटेड इश्यूज, जो भी ऐसे 142 टाइप्स के या 461 डे केयर प्रोसीजर्स हैं, वो सारे प्रोसीजर्स जिसमें मेडिकल एडवांसमेंट की वजह से आपको 24 घंटे एडमिट नहीं रहना पड़ता, वो भी अगर ट्रीटमेंट आप करवाते हैं तो इसमें भी पर डे का बेनिफिट आपको मिलेगा, लेकिन इसका इनिशियल 2 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा, जो कि सभी कंपनीज के अंदर रहता है, यहाँ पर भी रहेगा। और नॉर्मल वेटिंग पीरियड है यहाँ पे 30 दिन का, जैसे आज पॉलिसी लिए तो पहले 30 दिन कोई भी बीमारी की वजह से इसमें क्लेम नहीं मिलेगा दोनों प्लान के अंदर, ना बेसिक में और ना ही एनहांस प्लान में। और अगर स्पेसिफिक नॉन इमरजेंसी सर्जरीज है जो मैंने अभी आपको बताई, स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, पाइल, जिनको हम नॉन इमरजेंसी कैटेगरीज में डालते हैं, ये भी 24 महीने यानी कि 2 साल के बाद ही दोनों प्लान के अंदर कवर होते हैं, इससे पहले इसमें कवर नहीं होते। और अगर किसी को पहले से कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है जैसे कि बीपी, शुगर, अस्थमा, थायराइड, तो वो बीमारी भी यहाँ पर 3 साल के बाद ऑटोमेटिक कवर हो जाती है, यानी कि अगर किसी ने डिक्लेयर करके पॉलिसी ली है बीपी है उसको, तो बीपी से रिलेटेड कोई भी क्लेम 3 साल के बाद ही इस पॉलिसी के अंदर कवर होगा पर डे वाले बेनिफिट के अंदर। और अगर टीपीए की बात करूँ दोस्तों, इन हाउस टीपीए, किसी भी तरह का कोई यहाँ पर आउटसाइड टीपीए नहीं है, स्टार खुद इस क्लेम को सेटल करता है, दोनों ही स्टार की प्लान है बेसिक और एनहांस, तो खुद बहुत अच्छी तरह से क्लेम सेटल करते हैं। और बेस्ट पार्ट, इस प्लान में मेडिकल टेस्ट की कोई एज नहीं है, 65 साल तक विदाउट मेडिकल टेस्ट पॉलिसी है, ये सबसे अच्छी चीज है, कोई मेडिकल टेस्ट है ही नहीं पॉलिसी के अंदर। प्लस प्रीमियम कॉस्ट की बात करें तो ऑब्वियस है बेसिक प्लान
थोड़ा सस्ता होता है, और अगर एडवांस प्लान की बात करें तो स्लाइटली हायर होगा, लेकिन प्लान बहुत अच्छा है दोस्तों। और क्लेम सेटलमेंट की बात करूं तो बहुत ही ऑसम कैटेगरी का क्लेम सेटलमेंट है, बहुत इजीली और हैसल फ्री क्लेम सेटल होता है। आपको कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने एट द टाइम ऑफ क्लेम, ओनली डिस्चार्ज समरी चाहिए, एक आपका कैंसिल चेक चाहिए, और क्लेम फॉर्म के साथ साइन करके आपने सबमिट करना है। आपका 10 से 15 दिन के अंदर आराम से क्लेम सेटल होता है दोस्तों। अगर आप जनरली अपनी फैमिली को 100% प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ना दोस्तों, तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के साथ हॉस्पिटल कैश प्लान जरूर साथ में जोड़ें, जो आपके पैसे को बचाता ही नहीं है, कमा के भी देता है। आपके जितने सालों का प्रीमियम, जब भी जरूरत हेल्थ इंश्योरेंस की पड़ेगी, उसी दिन आपको इस प्लान की भी जरूरत अपने आप पड़ जाएगी। ये समझ लीजिए, ये ऐसी चैरिटी है जो आपको कभी कई गुना कमा के बना के दे सकती है दोस्तों। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। नमस्कार आपको दोस्त।